हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट सरकारी नौकरी की। बिल्कुल नया विज्ञापन जारी हुआ है, 60,000 पदों की भर्ती आई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 24,000 से भी अधिक पद आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई है और योग्यता जो है क्या यहाँ पर मांगी गई है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपने 10th पास कर लिया है, 12th पास कर लिया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। भारत में किसी भी राज्य के कैंडिडेट हों तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पुरुष महिला दोनों ही जो है आवेदन कर सकते हैं। काफी अच्छी सैलरी के साथ में परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। 60,000 से भी अधिक पद हैं यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 24,000 से भी अधिक पद हैं, EWS के 6,000 से अधिक पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,000 से अधिक पद हैं, अनुसूचित जाति 12,000 से भी अधिक, अनुसूचित जनजाति के 1204 पद हैं। तो ये सभी पदों की जो है संख्या है, काफी अच्छी जो है वो वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, तो वह यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 10th 12th पास बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों ही जो है वो पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे 27 दिसंबर 2023 और अंतिम डेट रहेगी 16 जनवरी 2024। ठीक है, तो 2 दिन बाद ही जो है ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आयु यहाँ पर क्या लिखी है कि पुरुष अभ्यर्थियों की जो आयु है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी यहाँ पर 18 से लेकर 22 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और डेट भी जो है यहाँ पर बताई गई है, जैसे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरी कर ली हो और 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का जो है नहीं होना चाहिए जन्म। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व या 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी 18 से 22 और महिला अभ्यर्थी 18 से लेकर 25 वर्ष। तो यहाँ पर जो है लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो है 300 अंकों की होगी और बाकी जो है डिटेल मैं आप लोग जो है मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। जो भी आवेदन करना चाहते हैं तो ये पूरी PDF फाइल जो है वो पढ़ लेंगे और फिर जो है वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है uppbpb.government.in। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा 2 दिन बाद। तो ये जरूरी सूचना थी। मुझे ऐसा लगा कि जो भी 10th पास 12th पास कैंडिडेट हैं, किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं और अगर गवर्नमेंट परमानेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।